हाय एवरीवन, दिस इज केशव लखोटिया फ्रॉम आईआईटी धनबाद। एंड आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक और ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जहां पर यदि आपके जेईई मेन के अंदर कम परसेंटेज आई है तो भी आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट 12th के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें कितनी फीस लगती है, यहाँ पे कितना पैकेज लगता है, हाईएस्ट एवरेज सब कुछ देखेंगे अच्छे से, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड साथ ही में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपने चलो बात करते हैं इस पर। तो अपने बात कर रहे हैं इस कॉलेज पर, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो कि NAAC A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जहां पर आप BTech, MBA, लॉ, फार्मास्यूटिकल, अप्लाइड लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, कंप्यूटिंग साइंस और भी बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स है वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। एंड यदि अपने स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंजीनियरिंग पर, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर की आपका कितना फीस लगेगा, कितना हाईएस्ट पैकेज है, कितना एवरेज CTC है, ताकि आपको बेसिक आइडिया लगे कि क्या मेरे को इस कॉलेज में वर्थ इट है ज्वाइन करना है नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ कि फीस चलिए कितनी भी हो, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर, और मोर देन 15 करोड़, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। चलिए अपने बात करते हैं इसकी फीस पर। तो जैसा कि मैं इनकी जो वेबसाइट है उस पर आ चुका हूँ, जहां पर आपको अच्छे से दिख भी रहा है कि यहाँ पे कितने एजुकेटेड एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स है, कितनी कंपनीज विजिट करती है प्लेसमेंट्स के लिए। और अपनी फीस पर यदि बात करें तो फीस पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन फीस यहाँ पे 10,000 है बीटेक वालों के लिए, अपने स्पेसिफिक बीटेक पे बात करेंगे, ठीक है। इनरोलमेंट फीस 2,000 रुपए है जो आपको एक ही बार देनी पड़ती है। एंड क्वेश्चन मनी होता है जो कि आपको जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसका आपको रिफंड हो जाती है, वो भी 2,000 रुपए है। और पर सेमेस्टर आपके कुछ अदर चार्जेस लगते हैं, वो 7,650 रुपीज है। वो हर समय हर कॉलेजेस में वो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कॉलेज में, वो हर कॉलेजेस में, इवन IITs में भी अदर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब नाउ अपन यदि बात करें कि हमें कितने प्रोग्राम्स कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जो बीटेक CSE, आपको मैंने एक चीज हमेशा बताया कि जब भी आप कोई प्राइवेट कॉलेज चूज करो तो आपको CSE ब्रांच को ही प्रेफर करना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है कोर्स, वहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो 4 साल का ड्यूरेशन है, वहां पर आपको पर सेमेस्टर 1,35,500 रुपीज देने पड़ते हैं, ठीक है। पर सेमेस्टर 1,35,000 है। यदि अपन मोटा मोटी रफली आइडिया लगाएं तो आपके 8 सेमेस्टर में 10 लाख तो यही हो गए, और ऊपर से जो अपने हॉस्टल फीस और मेस फीस है उसको भी अपने इंक्लूड कर लेंगे, तो मोटा मोटी 13-14 लाख के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा कि 14-15 लाख यदि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ये कॉलेज आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रायोरिटी, आप उसको रख सकते हो साथ ही में। अब यदि आप यहाँ पे CSE के अलावा कोई सिविल मैकेनिकल करते हो तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे फीस भी वहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज वाइज फीसेज अलग अलग है, CSE में हो तो अलग फीस है, सिविल मैकेनिकल में तो अलग फीस है, एरोस्पेस में तो अलग फीस है, ठीक है। और बाकी MBA की फीस लिखी हुई है जो आप देख सकते हो, बाद में भी इनकी वेबसाइट पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अपन यदि डायरेक्टली इसके टॉपिक पे देखें, इसमें कुछ और चीज अपनों को मिल रही है फीस पे, बाकी तो फीस आई थिंक मोटा मोटी सब सेम ही चीज लिखी हुई है। तो नाउ अपन अब देखते हैं इसका प्लेसमेंट कैसा सीन है। तो प्लेसमेंट देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाई रहा हूँ, आप देख सकते हो इनकी खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है 1.24 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया बीटेक CSE के अंदर, इंटरनेशनल पैकेज था ये। एंड 40.50 लाख पर एनम ऑटोडेस्क में लगा है, बीटेक CSE ये डोमेस्टिक है। 20 लाख पर एनम एयरटेल में लगा है, जो कि एमटेक जो बच्चे करते हैं ड्यूअल डिग्री उनके साथ का है। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग में 13 लाख का दिख रहा है यहाँ पे, बीटेक सिविल के अंदर 17.34 है। यहाँ पे देखो आपको मोटा मोटी लग रहा है कि इसमें पैकेजेस तो अच्छे खासे लग रहे हैं, क्योंकि 500 प्लस कंपनीज आ रही है तो कोई एक छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज दे रही है तो आपको एक अच्छा पैकेज दे रही है, ठीक है। तो आपको मैंने मोटा मोटी पैकेजेस के बारे में बता दिया, फीस के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है। देखो, एडमिशन लेने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन जीत जो टीम है उनका लिंक लगा दिया है। आपको जो भी क्वेरी है आप जाके उसमें फिलअप करिए फॉर्म को, उनकी जो टीम है वो आपको रीच आउट करेगी, आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है यहाँ पे। और आपको मैं सही बता रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज के अंदर, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपका एजुकेशन जी टीम प्रोवाइड कर रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड कोई अलग कॉलेज के बारे में रिव्यू करते हुए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से दिल से बनता है यार। एंड इसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, राधे राधे।